आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। सूत जी के द्वारा विस्तार पूर्वक बताई गई कार्तिक माह की कथा जानिए। कार्तिक माह की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप हो जाते हैं नष्ट। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। श्री सूत जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि सूत जी कौन थे? दरअसल श्री सूत जी का असली नाम रोमहर्षण था, क्योंकि उसका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर उठता था। वे बहुत अच्छे वक्ता थे। आइए आपको सूत जी के द्वारा बताई गई कार्तिक माह की कथा के बारे में बताते हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वही रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने अर्थात श्री कृष्ण जी ने तुम्हारी अर्थात सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे तीन वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके तीन पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने घसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुन। पूर्व समय में सत्युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे गणादि उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण ए दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास सबसे शुभ महीना है और श्री श्री राधा मदन मोहन को सबसे प्रिय महीना है। इसका वर्णन हरि भक्ति विलास 16 के 39 व 40 में किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समन युगम न वेद सदृश न तीर्थ गंगाय समम कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवनम प्रिय सदा कार्तिकं स्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सत्ययुग के बराबर कोई युग नहीं है। वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णवों अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को बहुत प्रिय है। इसलिए वैष्णव इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनी मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुहक को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुहक को हर। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गया। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वही रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किए। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्तिवचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती जो विधवा हो गई थी, दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी।
तब मेरे अर्थात भगवान विष्णु जी के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आ। इसके अनंतर जब ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।